अच्छा, ये सरकारी कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं? इसके इसके पीछे कुछ लॉजिक है आपके पास? कंपनियां जो अमीर हैं उनको अपने चहेतों को अमीर बनाया जा रहा है, वो बेची नहीं जा रही है। हाँ। उसको जो उनके खास लोग हैं ना, हाँ। उनको अमीर अभी इसके खास लोग, अरे अपने जो शहंशाह बैठे हैं, इसके प्रधानमंत्री के खास, प्रधानमंत्री के खास मतलब कौन है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के खास कौन है वो तो थोड़ा खुलासा करनी हो गए। अडानी अंबानी वो तो सब जानते हैं ना, वो इतनी समय वो प्रधानमंत्री का पद नहीं चल रहा, वो शहंशाह लगा रहे हैं अपने आप को, शहंशाह लगा रहे हैं, राजा कह रहे हैं अपने आप को, क्या लगा रहे हैं, 400 पार होने के बाद ये ब्यूरोक्रेसी फिर मतलब रहेगी नहीं, डेमोक्रेसी रहेगी। अगर ये 400 पार एकदम 100% हम बता रहे हैं, अगर अभी 400 पार सीटें आ गई इनकी, अच्छा डेमोक्रेसी मतलब एकदम लोकतंत्र पर 99.99% खतरा है, खतरा है एकदम। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, अमित शाह ही तो बोल रहे थे, अमित शाह तो बोल रहे थे कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, प्रधानमंत्री भी बोल रहे 15 लाख खाते में आएंगे, आए जुमलेबाजी के अलावा उनके पास क्या है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है, संविधान पर कोई खतरा नहीं है, वो जनता जागरूक हो चुकी है, वो जब जानने लगेगी तो आदमी को शांत कराने के लिए वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। आपको लगता है कि अगर ये चार अगर आ गए 5 साल के लिए, नहीं नहीं पहली बात आने ही नहीं देंगे हम लोग, तो कैसे आएंगे ही नहीं, अब बेईमानी करके वोट नहीं डालने देंगे या जबरदस्ती घुसपैठिया करेंगे, ईवीएम चुराएंगे, तो वो अलग बात है कि नहीं आने ही नहीं देंगे हम लोग, कैसे जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है। अच्छा हम लोग तैयार है, पीछा हर से तो रायबरेली से बिल्कुल, रायबरेली हर बार 4 लाख वोटो जिताते थे, अभी 6 लाख जिता के भेजा, यहाँ भविष्य में न थी भाजपा, यहाँ कभी रायबरेली न कभी आएगी। हाँ, लेकिन ये कैसे आपको ये एहसास हुआ कि वाकई में संविधान और आरक्षण पे खतरा है? 5 साल से हम लोग 10 साल से देखते देखते मतलब एकदम बिल्कुल थक चुके हैं भैया, मतलब ये आरक्षण के विषय में। हाँ, अभी हम देख रहे हैं ना जितनी भर्तियां आ रही, आप EWS और OBC रिजर्वेशन देख लीजिए। हाँ, ठीक है, 2-3 नंबर EWS वालों का नीचे ही रहता है। हाँ, OBEWS आरक्षण जो दिया गया है उसमें लगभग 90% सवर्ण जाति के जो लोग आते हैं 90% आ जाते हैं, कोई AC में रह रहा तो वो EWS बनाकर घूम रहा है, फिर भी उसको मतलब देख देख के हम लोग थक चुके, तो हम जानते हैं उनके चहेते हैं उनको मिलेगी ये, उनको मिल जाता है, रहेगी वो जो शहंशाह अपने कह रहे हैं हम OBC हैं, वो वाकई जो राहुल जी कहे थे ना कि फेंक OBC, वो वाकई फेंक OBC है, फेंक OBC है ही नहीं। अच्छा।